नमस्कार, स्वागत है आपका ज्योतिष जीवन वैभव के पंचांग श्रृंखला में। हम आपका इस श्रृंखला में दैनिक पंचांग से अवगत कराएंगे। पंचांग का पूजा, मांगलिक कार्य एवं मुहूर्त में खास महत्व होता है। प्राचीन काल से ही पंचांग देखे बिना कोई कार्य संभव नहीं होता था, जो लगभग आज भी कायम है। पंचांग के 5 अंक नक्षत्र, तिथि, योग, करण व वार होते हैं, जिसका विस्तृत विवरण प्रस्तुत है। आज का पंचांग है 21 अप्रैल 2022 का। अभी विक्रम संवत 2079 और शक संवत 1944 चल रहा है। तिथि पंचमी है, जो दोपहर 11:14 तक रहेगी। उसके उपरांत षष्ठी लग जाएगी। वार गुरुवार है, मास चैत्र है, ऋतु वैशाख है और पक्ष कृष्ण पक्ष है। सूर्योदय प्रातःकाल 5:55 पे है और सूर्यास्त सायंकाल 6:43 पे। चंद्रोदय रात्रि 11:50 पे और चंद्रास्त 22 अप्रैल की प्रातः 9:33 पे। नक्षत्र अभी मूल है, जो रात्रि में 9:52 तक रहेगा। उसके उपरांत पूर्वाषाढ़ लग जाएगा। योग परिध है, जो प्रातः 10:20 तक रहेगा। उसके उपरांत शिव लग जाएगा। करण तैतिल है, जो दोपहर 11:14 तक रहेगा। उसके उपरांत गर, जो कि रात्रि 9:58 तक रहेगा। जानते हैं शुभ मुहूर्त। अभिजीत दोपहर 11:54 से 12:54 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:27 से 3:19 तक। गोधूलि मुहूर्त सायंकाल 6:31 से 6:55 तक। अशुभ मुहूर्त राहुकाल दोपहर 1:55 से 3:31 तक। यमगंध प्रातः 5:55 से 7:31 तक। गोलिक काल प्रातः 9:07 से 10:43 तक। सूर्य अभी मेष राशि में है और चंद्र धनु राशि। दिशा शुल आज दक्षिण में है। स्वाज दक्षिण की तरफ जाने वालों को सुझाव है कि उस ओर जाना स्थगित कर दें। अग्निवास पाताल में है। हवन आदि कर्म के लिए उपयुक्त समय नहीं है। अब जानते हैं आज जन्म लिए बालक का फल। आज यानी 20 अप्रैल की रात्रि 11:42 से 21 अप्रैल की रात्रि 9:52 तक जो बच्चा जन्म लेगा, वह मूल नक्षत्र में जन्मा बच्चा है। इसका जन्माक्षर ये यो हा भी है, पाया लोहा है। मान्यता के अनुसार गंड मूल नक्षत्र में जन्मे बच्चे को लेकर 27 दिनों तक उसके पिता को उसका चेहरा नहीं देखना चाहिए। यह दोष पिता के जीवन में परेशानियां पैदा करने में सक्षम होता है। 27 दिन बाद ही मूल नक्षत्र की शांति करवाकर ही बच्चे का मुख देखना चाहिए। यह बालक शुभ प्रभाव में है तो सामान्य बालक से कुछ अलग विचारों वाला होगा। यदि उसे सामाजिक तथा पारिवारिक बंधन से मुक्त कर दिया जाए तो ऐसा बालक जिस भी क्षेत्र में जाएगा अलग मुकाम हासिल करेगा। ऐसे बालक तेजस्वी, यशस्वी, नित्य नव चेतन कला अनिवासी होते हैं। इसके अच्छे प्रभाव है। इनके विचार काफी दृढ़ होते हैं। निर्णय लेने की क्षमता भी इनमें बहुत होती है। इनके बचपन से ही पढ़ाई में तेज होते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि आगे जाकर क्या बनना है। चुनौतियों के झेलने की काबिलियत की वजह से इन्हें खुद का व्यवसाय करना अधिक पसंद रहता है। अब जानते हैं आज का चौघड़िया, दिन का चौघड़िया। सुबह 5:56 से 7:32 तक। चर 10:44 से 12:19 तक। लाभ 12:19 से 1:55 तक। अमृत 1:55 से 3:31 तक। शुभ 5:08 से 6:44 तक। रात का चौघड़िया, अमृत 6:44 से 8:07 तक। चर 8:07 से 9:31 तक। लाभ 12:19 से 1:43 तक। शुभ 3:06 से 4:30 तक। अमृत 4:30 से 5:54। आपको हमारे प्रयास कैसा लगा हमें जरूर बताएं। कमेंट करके बता सकते हैं या मेल कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, जिससे कि आने वाले आकर्षक वीडियो का पता आपको जल्द से जल्द चल सके। धन्यवाद।